तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही चैनल के एम डब्ल्यू खान मोटर वर्क्स में। तो भाई गाड़ी यहाँ पर 16-13 टर्बो, तो भाई इसका गियर ठीक तरीके से चेंज नहीं होता, तो चलिए देखते हैं। तो भाई ये आवाज सुनते ही मुझे इन भाई साहब की याद आ गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई उस आवाज को सुनकर जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आवाज प्रेशर प्लेट की है, प्रेशर प्लेट पूरी तरह से उसके फिंगर दब नहीं रहे थे, इस वजह से ये आवाज आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पीटीओ हमारा खुल चुका है और हम जॉइंट को भी खोल लेते हैं। अब बारी आती है हमारी यहाँ पर गियरबॉक्स के राउंडिंग की, तो चलिए गियरबॉक्स के राउंडिंग को भी खोल लेते हैं। तो भाई गियरबॉक्स की राउंडिंग खुल चुकी है, अब हमारा गियर लीवर आता है बाहर, तो चलिए गियर लीवर को बाहर रख देते हैं। और ये हमारा गियरबॉक्स भी उतर चुका है जैसा कि आप देख सकते होंगे। तो चलिए अभी प्रेशर प्लेट को खोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहले क्लच बैरिंग को बाहर निकाल लेंगे, तो क्लच बैरिंग बाहर आ चुकी है और हमारा प्रेशर प्लेट के बोल भी खुल रहे हैं। तो भाई प्रेशर प्लेट खुल चुका है, अब प्रेशर प्लेट को बाहर निकालते हैं। तो भाई प्रेशर प्लेट यहाँ पर आ चुका है हमारा बाहर, तो चलिए प्रेशर प्लेट को चेक करते हैं। तो भाई प्रेशर प्लेट का फिंगर तो आउट नज़र आ रहा है, प्रेशर प्लेट आप देख सकते हो कितना ऊपर हो चुका है और ये हमारी फ्लाईव्हील की बैरिंग भी बाहर आ चुकी है, आप देख सकते हो। तो भाई चलिए एक नज़र क्लच प्लेट पर भी मार लेते हैं। भाई हमारी क्लच प्लेट भी आप देख सकते हो, क्लच प्लेट तो दिख रही है चलने लायक है, तो हम क्लच प्लेट यही डाल देंगे। और क्लच बैरिंग भी हम आप देख ही सकते हो, क्लच बैरिंग तो ठीक दिख रही है, तो क्लच बैरिंग भी हम यही डाल देंगे, क्लच बैरिंग भी ओके है। भाई हमारा प्रेशर प्लेट का फिंगर मैं आपको दिखा दूँ कि फिंगर बिल्कुल आउट है, आप देख सकते हो चारों फिंगर देख सकते हो, बोल्ट की सेटिंग भी देख सकते हो आप, फिंगर सेटिंग देख सकते हो, इस बोल्ट का देखिए कितना ऊपर है, इसका कितना थोड़ा सा डाउन है, इसका और ज़्यादा ही अंदर डाउन है, तो आप देख ही सकते होंगे सारे फिंगर्स अप डाउन है। तो मैं आपको यहाँ पर प्रेशर प्लेट का ऊपर वाला हिस्सा भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप कि कितना ऊपर आ चुका है प्रेशर प्लेट है। तो चलिए फ्लाईव्हील को भी खोल लेते हैं। तो भाई यहाँ पर फ्लाईव्हील तो हमारी लगभग खुल चुकी है, फ्लाईव्हील को निकालते हैं बाहर और फ्लाईव्हील भी चेक कर लेते हैं। भाई फ्लाईव्हील आप देख सकते हो, ये फ्लाईव्हील पर क्रैक्स वगैरह आ गए हैं बहुत सारा, आप देख ही सकते हो, ये देखिए बिल्कुल लाइन लाइन से आ गए, क्रैक्स वगैरह आ गए, तो फ्लाईव्हील को हम फेस कर देते हैं। भाई ये देखिए कितना ऊपर नीचे हो चुका है, तो चलिए फ्लाईव्हील को फेस कर लेते हैं। भाई फ्लाईव्हील हमारी हो चुकी है यहाँ पर फेस, तो चलिए फ्लाईव्हील को फिटिंग करने की बारी आती है। बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारा फ्लाईव्हील फेस हो चुका है, लेथ मशीन पर कट हो चुका है, तो चलिए फिट करते हैं। तो भाई ये फ्लाईव्हील हमारा चढ़ने के लिए तैयार है, हम फ्लाईव्हील चढ़ा देते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे और भी काम। तो ये आप देख सकते हैं फ्लाईव्हील चढ़ चुकी है, फ्लाईव्हील के बोल्ट यहाँ पर टाइट हो रहे हैं, फ्लाईव्हील के बोल्ट फिटिंग हो रहे हैं। तो भाई फ्लाईव्हील के बोल्ट टाइट हो रहे हैं, चलिए क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट हमारा चढ़ा दे। प्रेशर प्लेट चढ़ चुका है, टॉप चाबी हमारा गया अंदर और अभी प्रेशर प्लेट के सारे बोल्ट को एक एक करके लगा देते हैं। तो हमारे प्रेशर प्लेट के सारे बोल्ट लग चुके हैं, प्रेशर प्लेट हमारा अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है, एक बार फाइनल हाथ मार लेते हैं, हमारा प्रेशर प्लेट तो टाइट हो ही चुका है। अभी बारी आती है फिंगर सेटिंग की, तो भाई फिंगर सेटिंग भी हमारी होंगी, फिंगर सेटिंग का हमारा देसी जुगाड़ है, हमारे पास फिंगर सेटिंग के लिए कूलर नहीं है, फिंगर सेटिंग के लिए कूलर आता है बेहतरीन, आप लोग पता ही होगा। तो चलिए फिर क्लच भी एक बार सेंटर चेक कर लेते हैं, क्लच प्लेट का सेंटर बराबर है या नहीं। भाई क्लच प्लेट का सेंटर तो हमारा बराबर दिख नहीं रहा है, तो चलिए फ्लाईव्हील अब बारी आती है अपनी सेटिंग की, फिंगर सेटिंग। तो ये हमारा फिंगर सेटिंग देसी तरीके से हो रहा है, फिंगर सेटिंग कर देते हैं।
तो फाइनली भाई फिंगर सेटिंग हो चुकी है, प्लेट का सेंटर भी बिल्कुल बराबर है। तो चलिए गियर बॉक्स चढ़ाने की बारी आती है। भाई यहाँ पर हमारा सभी काम फाइनल हो चुका है, तो चलिए बारी आती है अब चेक करने की, तो हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। भाई गियर गिरने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है और बाकी सारी चीज़ें भी एकदम बराबर है। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।